दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को तिहाड़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह गुरुवार तक यह फैसला कर ले कि निर्भया के दोषियों के इंटरव्यू का इच्छुक मीडिया हाउस उनका साक्षात्कार ले सकता है या नहीं। जस्टिस नवीन चावला की एकल बेंच ने मीडिया हाउस की याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ को निर्देश दिया है कि वह इस याचिका पर कानून के अनुसार गौर करें और कल तक उस पर कोई तथ्यात्मक फैसला लें। निर्भया के दोषियों ने कई बार व्यवस्था का मजाक उड़ाया है, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यह तल्ख टिप्पणी हाईकोर्ट ने दोषियों के साक्षात्कार के लिए मीडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए बीते गुरुवार को की थी। हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में सभी दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय के व्यवहार के आकलन के आधार पर यह बात कही थी। सभी दोषियों को 20 मार्च को फांसी देने के लिए अदालत ने डेथ वारंट जारी किया है। मीडिया हाउस ने अपनी याचिका में तिहाड़ जेल के उनके आवेदन को खारिज करने की भी चुनौती दी है। इस याचिका में चारों दोषियों के साक्षात्कार की अनुमति मांगी गई थी। इसमें दावा किया गया है कि साक्षात्कार के पीछे का उद्देश्य भविष्य में समाज को एक संदेश देना है। मीडिया हाउस ने इस संबंध में तिहाड़ जेल अधिकारियों से 25 फरवरी को अनुमति मांगी थी। जेल प्रशासन ने दो दिन बाद इसे अस्वीकार कर दिया था। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।